हाँ थोड़ी सी फटती है यार, सबकी फटती है। ठीक है, और मेरे पास लाइट के लिए कुछ है नहीं, तो मैं तो नहीं जा रहा अंदर, मेरी इतनी फट रही है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज ऋषिकेश का मेरा दूसरा दिन है, और मैं होटल से चेकआउट कर चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ बीटल्स आश्रम। उससे पहले मैं आ गया हूँ जानकी झूला। यहाँ पे तीन झूले हैं, पीछे देख सकते हो, ये वाला है पीछे मेरे इस साइड पे, एक दूर दिख रहा होगा तुमको, अगर दिख रहा है कैमरे में तो, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। मेरे जस्ट पीछे राम झूला है, उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो उधर लक्ष्मण झूला है। मैं आ गया हूँ जानकी झूला पे, और यहाँ पे वैसे तो इस टाइम भीड़ कम है। यहाँ क्या मेरे को लग रहा है सारे झूले पे भीड़ कमी है। सामने जो एक झूला दिख रहा है राम झूला, वहाँ पे भीड़ कमी दिख रहा है। मेरे को सबसे पहले खोजना है वो बीटल्स आश्रम, मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, बट यहाँ आस पास में कहीं है। ओके सर, थोड़ा सा गूगल मैप का सहारा लेते हुए हम जा रहे हैं बीटल्स वाले आश्रम की तरफ। आई डोंट नो वहाँ पे कोई जाता है या नहीं जाता, मेरे को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। बहुत सारे बाइक राइडर उधर से होते हुए आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि वो लोग भी उधर से घूम के आ रहे होंगे, आई होप सो। यहाँ पे बंदर हैं बहुत ज्यादा, सो बेहतर होगा मैं अपना यहाँ पे कैमरा ऑफ करूँ और चुपचाप शांति से अकेले निकलूँ। आई डोंट वांट कि मेरा कोई गिम्बल और कैमरा छेड़छाड़ करे। खैर रास्ते बहुत ही खतरनाक से हैं, यहाँ पे खंडहर जैसे हैं, सो लेट्स गो। शायद यहाँ पे एंट्री फी है। वेल फाइनली वी हैव रीच्ड बीटल्स आश्रम। रुको तुम आए था, इसका नाम चौरा 84 कुटिया भी है। जरा ये पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेलीपैथिक। अंदर स्टेयर्स भी बने हुए हैं। यू कैन नॉट एस्केप योर डीमंस, यू कैन ओनली स्ले देम। ये जगह काफी खंडहर जैसा हो चुका है वैसे तो, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ, बट आई थिंक पोस्ट ऑफिस बंद है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, दिस बिल्डिंग वॉज यूज फॉर ऑफिशियल मेल्स बाई मर्सी जी एंड बाई गेस्ट स्टेइंग फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेज। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, मुजार्सियन। यहाँ पे फोटो गैलरी वगैरह तो है, बट सारा का सारा चीज खंडहर सा हुआ पड़ा है, बट स्टिल फोटोज लगी हुई हैं। आई थिंक वी कैन गो इनसाइड, कोई है नहीं यार अंदर। वाओ, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस आश्रम इज फेमस। फोटोग्राफी कोर्ट से आती है पॉल सेल्समैन को। ये बीटल्स की पूरी टीम थी, लीड सिंगर्स, दे वर ऑल हियर। एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। और ये हैं महर्षि महेश योगी जी। अंदर बीटल्स का जो पूरा बैंड था, उनके जितने भी मेम्बर्स थे, उनके फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पे कैंटीन भी है, तो मेरे को थोड़ी सी भूख लगी, तो सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद मेरे को वापस भी जाना है। वेल, और किसी चीज़ का तो पता नहीं, बट वेयर एवर यू गो यू कैन फाइंड मैगी, सो आई एम हैविंग मैगी ऑब्वियसली। भगवान शंकर और नंदी जी बैठे हुए हैं। दिस इज द किचन, कंस्ट्रक्टेड इन 1960s, एंड सब कुछ एकदम खंडहर हो चुका है। कुछ लिखे हुए हैं कोट्स वगैरह, रेड आई ओम समथिंग लाइक दैट, हाइड योर आइज डार्लिंग, पीपल कैन सी योर हार्ट। आई थिंक ये कैंटीन जैसा है, यहाँ पे सामान रखे होते होंगे, इसके बाहर वहाँ खिड़की से लोग खड़े होकर सामान खरीदते होंगे, लाइक खाने पीने की चीजें मे बी। इधर तो वैसे बंद है, बट ये भी कुछ खंडहर जैसा है, खंडहर वो पड़ा, अंदर भी आर्ट्स बने हुए हैं, यू कैन सी। सीम्स लाइक ये काफी डार्क सॉर्ट ऑफ आर्ट है, ये वाला जो आर्ट देख रहे हो थोड़ा डार्क डार्क जैसा दिख रहा है, मतलब लाइक डार्क विद सम डार्क इंटेंशंस। यहाँ पे भी एक आर्ट बना हुआ है, एंड आर्टिस्ट का नाम है आर्ट एक्सपैन। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था 1960s में, सो लेट्स सी इस बिल्डिंग में कुछ बचा हुआ है आर्ट वगैरह। तो हाँ, यहाँ पे आर्ट्स बचे हुए हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन लगे होंगे। सो दिस इज वेद भवन, कंस्ट्रक्टेड इन 1976, दिस बिल्डिंग वॉज यूज एज अ लेक्चर हॉल, क्लासरूम फॉर कंडक्टिंग कोर्सेज। सो दिस वॉज द हॉल जहाँ पे ये मेडिटेशन एंड बाकी चीजें होती थी, बाकी आई थिंक यहाँ पे म्यूजिक वगैरह कंपोज करने के लिए भी दे वर यूजिंग दिस थिंग। अगर हम बीटल्स आश्रम के इतिहास के बारे में बात करें, 1968 में ये बहुत फेमस हुआ जब बीटल्स इंग्लिश रॉक बैंड यहाँ पे मेडिटेशन को
स्टडी करने के लिए आए, और साथ ही बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज लाइक डोनोवैन, मिया फारो, माइक लव, ये ऐसे सेलिब्रिटीज जब यहाँ पे आए तब ये जाके बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी गेन करी इसने। और फिर उसके बाद से बीटल्स ने अपने बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग्स यहाँ पर कंपोज किए, सच एज सेल्फ टाइटल डबल एल्बम जो वाइट एल्बम के नाम से भी फेमस है, वो भी यहाँ पे कंपोज किया था इन्होंने। 1990 में ये फिर प्लेस जो है एबेंडन हो गया था, बाद में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 2003 में इसे दे दिया गया था, और ये जगह इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है खासकर बीटल्स के फैंस के बीच में। ऊपर जाना अलाउड है नहीं, कोई दिक्कत तो रहा नहीं है, बट कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, पहले देखे रास्ता कहाँ से, सीढ़ियाँ है भी या नहीं। मेरा गिम्बल भी डिस्चार्ज हो रहा है, हैस पॉज टैग लाइफ कैन वेट वॉट एवर लेट्स गो। इधर नहीं दिख रहा तो ऊपर दीवार से पैक है, आई थिंक ऊपर जाने का रास्ता कुछ और या कहीं और से होगा, लेट्स सी, पहले आगे देखता हूँ क्या है। यहाँ भी कुछ बना हुआ है, अच्छा ये भी कुछ घर जैसा है, बट आई थिंक यहाँ से इसका रास्ता नहीं है, इसका रास्ता कहीं और से है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा ना टेरेस जैसा, ये नीचे बिल्डिंग है, लेट्स सी। ओके तो ये है टेंपल, योग हॉल, 84 कुटिया, 84 मेडिटेशन चैम्बर, सो प्लीज दिस इज मेडिटेशन एंड योगा हॉल। और ये है यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, और साइड में नदी है। खैर आगे चलते हैं, ये आई डोंट थिंक कुछ है, अब यही है, सामने एक बैठने के लिए बना हुआ है, और अंदर एकदम अंधेरा है, मैं जाना अवॉइड करूंगा, जाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि मेरे पास लाइट के लिए कुछ नहीं है। हाँ थोड़ी सी फटती है, सबकी फटती है, ठीक है, और मेरे पास लाइट के लिए कुछ है नहीं, तो मैं तो नहीं जा रहा अंदर, मेरी इतनी फट रही है अभी। वेल दिस प्लेस इज नॉट हॉन्टेड ऑब्वियसली, बट हाँ अंधेरा है, यू नेवर नो। वॉट इज दिस, सी दिस पीस ऑफ आर्ट, बटरफ्लाई है, बट इसमें फेस थोड़ा अजीब सा है। विंटर इज हियर, लोग कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। वेल आई थिंक अब ये खत्म होने को आ गया, एक और देखते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ है। ओके ये है बीटल्स बंगलो, जस्ट सी दिस इज बीटल्स बंगलो, और इसका नाम है सप्तपुरी कॉम्प्लेक्स, महर्षि ध्यान विद्यापीठ। लाइफ टू लाइफ, टेक अ डीप ब्रीथ, यहाँ पे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, गुफाती एंड आर्ट्स बने हुए हैं। व्हाट्स मेड इन द डार्क ग्लिटर्स आउट इन द लाइट, साइड में रूम बना हुआ है, एक आंख बनी हुई है यहाँ पे। श्योर महाकाल विद्यापीठ, मतलब यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती होंगी, स्कूल जैसा दिख रहा है क्योंकि ब्लैक बोर्ड बने हुए हैं, देखो ब्लैक बोर्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्लासेस चलती होंगी, स्कूल जैसे सॉर्ट ऑफ। वॉशरूम है, इस वॉशरूम में बाथटब भी लगा हुआ है, जैसे स्कूल के वॉशरूम में बाथटब कौन लगवाता है। खैर लेट्स गो, ये जो तुम गुंबद दिख रहा है ना ऊपर, मैं यहाँ जाने की सोच रहा था बट यहाँ का रास्ता दिख नहीं रहा मेरे को। ओके सो फाइनली मेरे को ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है, यहाँ से कहीं ना कहीं से रास्ता था, मिल गया है। श्री तेंदुआ, और एक तेंदुए का ग्रफाटे बना हुआ है।
ऊपर जा सकते सबसे ऊपर। फाइनली मेरे को मौका मिला सबसे ऊपर आने का, मैं आ गया। तो मैं रास्ता ढूंढ रहा था, उससे मिला नहीं था, पर फिर मैंने कुछ लोगों को आते हुए देखा। तो पता है ये जो छोटे छोटे केव्स जैसे बने हुए हैं, आई डोंट नो इस पे ऊपर जा सकते हैं नहीं, स्टेयर्स बने हुए हैं। लेट्स ट्राई। अरे नहीं यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि ये टूट गया है पूरा। एक्चुअल में ये केव है ना, ये सारे मेडिटेशन के केव्स हैं, ठीक है। अब ये टूटा हुआ है स्टेयर्स यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जा पाऊंगा, देख रहे हो। तो इनका भरोसा नहीं है जब गिर जाए तो। ये एक्चुअल में जितने भी यहाँ पे केव्स बने हैं, जितने भी सारे केव्स बने हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मेडिटेशन केव्स हैं। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। सन्यासी एंड ब्रह्मचारी फॉर प्रैक्टिसिंग देयर साधना, द राउंड स्टोन यूज्ड इन देम वर टेकन फ्रॉम द सोर ऑफ गंगा। खैर, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है देखने को। बीटल्स की भ्रमण हमने कर ली है पूरी, और वापस हम प्रस्थान करेंगे। फक, फाइनली मैं बीटल्स आश्रम से निकल चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरे को जगह चाहिए बैठने के लिए। आई डोंट नो, यहाँ कहीं जगह है नहीं बैठने को, तो पहले जगह ढूंढते हैं बैठने का और रेस्ट करके फिर अपन निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ। भैया बैठ जाओ 5 मिनट के लिए यहाँ पे। चलो थैंक यू। ओके सो मैं वापस आ चुका हूँ बस स्टैंड। यहाँ पे मेरे को बस भी मिल चुकी है, और द थिंग इज कि बस का टाइमिंग है 4 बजे। तो 4 बजे के पहले कोई बस नहीं था, 4 बजे ही बस है। सो मैं बस उतर के पहुँच चुका हूँ कश्मीरगढ़ मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैं जाऊँगा नोएडा। ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। चलो मिलते हैं, बाय।